तो दोस्तों अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज का ऐलान, मोहम्मद आमिर की हुई टीम में एंट्री, तो क्या है पूरी खबर की जानकारी बताएंगे सब कुछ इस वीडियो में। उससे पहले अगर आप पाकिस्तान टीम के जबड़ा फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक का और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों एशिया कप 2023 का आगाज सितम्बर माह से होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान टीम को अफगानिस्तान टीम के साथ 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलनी है, जिसके लिए पाकिस्तान टीम के 16 सदस्य टीम का ऐलान कर दिया गया है। दरअसल पाकिस्तान और अफगानिस्तान टीम को 7 जून से 3 मैचों के वनडे सीरीज का पहला मुकाबला खेलना है। दोस्तों पाकिस्तान टीम में स्टार गेंदबाज मोहम्मद आमिर की टीम में वापसी हुई है, वहीं पाकिस्तान टीम का 16 सदस्य टीम इस प्रकार है। कप्तान बाबर आजम, उप कप्तान शादाब खान को बनाया गया है, साथ ही फखर जमान, मोहम्मद रिजवान, सैम अयूब, इफ्तिकार अहमद, आसिफ अली, इमाद बशीर, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद आमिर, शाहीन शाह फरीदी, मोहम्मद नसीम शाह, मोहम्मद वसीम जूनियर, उस्मान मीर को टीम में रखा गया है। तो दोस्तों आपके अनुसार और किस प्लेयर को 16 सदस्य टीम में मौका दिया जाना चाहिए था, आप अपनी बहुमूल्य राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें।